शुड बी और टू बी, मैं आपको बताता हूं टू बी होता क्या है। टू बी कुछ होता ही नहीं, टू बेसिकली अगर आप देखेंगे ना हर क्रिया के अंदर टू जुड़ा ही होता है। जैसे मैं एक बार जब हम व्हेन वी वर इन कॉलेज, तो एक दिन सर अचानक आए और सर ने पूछा जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हमने कहा जी गो। पहले बच्चे ने कहा गो, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन गो। सर ने बोला नेक्स्ट, उसने बोला गो, तीसरे ने गो, चौथे ने गो, मैंने गो, हम सब ने गो, और सर बोले गलत गलत। हमने कहा यार ये कैसे गलत हो जाएगा। देन ही टोल्ड अस, हालांकि समझना इसको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं जाता हूं इसकी इंग्लिश क्या है, आई गो। मैं जाना चाहता हूं, इसकी इंग्लिश क्या है, आई वॉन्ट टू गो। तो अब समझना, मैं मतलब आई, तो गो माने क्या होता है, जाता है, जाती है, जाता हूं। आई मतलब ये, वॉन्ट मतलब चाहता हूं, तो जाने को बोलते हैं टू गो। एक्चुअली जब भी हिंदी में क्रिया में नानेनी लगा होता है तो टू बाई डिफॉल्ट उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। इसलिए आप कभी भी नोटिस करना, आप कभी भी नोटिस करना, जैसे हैज टू हैव टू आपने पढ़ा होगा, हैज टू हैव टू, तो कभी हैज टू हैव टू के सेंटेंस को ध्यान से देखना, मुझे पढ़ना पड़ता है। अब आप गौर करो, पढ़ने में क्या लगा है, पढ़ना, नानेनी, तो आपने इस नाने के लिए टू लगाया हुआ है। मैं जाने, बारिश होने वाली है, कोई काम होने वाला है, उसके लिए आप स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जरा बताना, अबाउट टू। एक्चुअली अबाउट टू नाम का कोई स्ट्रक्चर है नहीं, अबाउट माने वाली और टू माने होने, ना ने नी। अब क्योंकि जब वाली है वाला है आएगा तो नानेनी आएगा ही आएगा, तो स्ट्रक्चर ही क्या बना दिया, अबाउट टू। जब पढ़ता है आएगा तो ना है नी है ने है आएगा, तो स्ट्रक्चर में क्या जोड़ दिया, हैज टू हैव टू। तो टू भी कुछ नहीं है, बी अपने आप में एक वर्ब है, बी माने होना, बी माने क्या होता है, होना। अब आई वॉन्ट टू बी फेमस, तो टू भी कुछ नहीं है एक्चुअली, टू तो नानेनी के लिए लगाया और बी होने के लिए लग गया, आई वॉन्ट टू बी फेमस। अब शुड के साथ आ जाओ, शुड माने चाहिए और बी माने होना, तो ये शुड भी कुछ है थोड़ी भाई, जैसे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, शुड गो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, ऐसे ही तुम्हें खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। तो अब ये बी अपने आप में कोई अलग स्ट्रक्चर थोड़ी है, शुड भी कोई अलग स्ट्रक्चर थोड़ी हुआ, जैसे जाने के लिए गो लगाया, पढ़ने के लिए स्टडी लगाया, तो होने के लिए क्या लगा दिया, बी लगा दिया, स्ट्रक्चर तो शुड है। लेकिन क्योंकि जब भी आपको होने के लिए लगाना होता है तो आप बी लगा देते हैं, यू शुड बी ग्रेटफुल टू हिम, तुम्हें उसका आभारी होना चाहिए, तो होने के लिए बी आ गया, जैसे जाने के लिए गो आता है।